नमस्कार, सौभाग्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। पुनर्जन्म एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आज हम चर्चा करेंगे पुनर्जन्म का चेतना से क्या कनेक्शन है, क्या किसी का पुनर्जन्म होता है या हो सकता है। इन सभी चीज़ों की जानकारी आज हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। बात हो रही है पुनर्जन्म की, तो पुनर्जन्म तो सभी का होता है, वो हर जीव एक नए अवतार में आता है, क्योंकि पुनर्जन्म सभी का होना है। लेकिन क्या आपको आपका पूर्व जन्म याद है? तो हमें वो चीज़ें याद नहीं होती है, क्योंकि आपका भी पुनर्जन्म हुआ है, हमारा भी हुआ है, या हर किसी का हुआ है, किसी न किसी रूप में उसका जन्म होता ही है। लेकिन बात आती है कि हम पुनर्जन्म कहते किसको हैं। जब किसी व्यक्ति को या किसी भी बच्चे को उसका पहले का जन्म याद हो, तभी हम कहते हैं कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। अगर याद नहीं है तो इसका मतलब सभी लोग यही समझते हैं कि हमारा पुनर्जन्म नहीं हुआ। लेकिन पुनर्जन्म तो सभी का होना है, क्योंकि जन्म होता ही है अपने कर्मों के निष्पादन करने के लिए। जो आपके अधूरे कर्म हैं, जिसको आपने कभी पूरा नहीं किया हो, कोई आपका ऋण रह गया हो, जब तक उसको पूरा नहीं करेंगे तब तक आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए पुनर्जन्म तो होना ही है। लेकिन आज के ज़माने में पुनर्जन्म सिर्फ उसी को बोलते हैं जिसको याद है, तब हम कहते हैं कि अरे इसका पुनर्जन्म हुआ है। जैसे आपने कभी भी न्यूज में या कभी देखा भी होगा, कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो 5 साल 6 साल की उम्र में ही आपको BSc के मैथ बना रहे होते हैं, या कोई वैज्ञानिक की तरह कार्य कर रहे होते हैं। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक छोटे से बच्चे को इतनी बड़े ऊंचे स्तर की जानकारी कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो वो सब चेतना का ही कमाल है, क्योंकि जब भी जन्म होता है तो आत्मा तो कपड़े की तरह शरीर को बदल रहा होता है, आत्मा कपड़े की तरह शरीर को बदलती है, लेकिन उसके अंदर जो चेतना है वो सदियों से उसके साथ चलती रहती है। ये बात ज़रूर है कि वो चेतना दबी हुई रहती है, वो याद में नहीं रहती, उसको हम भूल चुके होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा अपवाद में हो जाता है कि उसकी चेतना ख़त्म नहीं हुई है, यानी उस चेतन माइंड से उसको वो सारी चीज़ें याद रहती है। यही कारण है, आपने देखा होगा कि 5 साल का बच्चा एक गीता का श्लोक पढ़ रहा है, पूरे वेद याद हैं उसे, संस्कृत में उसके उच्चारण कर रहा है, ना तो इस जन्म में वो स्कूल गया है, ना तो कहीं उसने पढ़ा है घर में, ना उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड है कि घर में उसे माता पिता ने सिखाया होगा। लेकिन कोई बच्चा अगर संस्कृत में गीता जैसे ग्रंथ के श्लोक पढ़ रहा है तो वो चीज़ें कहाँ से आई उसमें? स्वाभाविक सी बात है कि वो कहीं ना कहीं उसके चेतन मन में है, और चेतन मन से उसको फिर से निकालना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कभी कभी अचानक ही हो जाती है, या आप इसको एक प्रैक्टिस के जरिए भी कर सकते हैं, आप इसको मेडिटेशन के जरिए कर सकते हैं, ध्यान के जरिए कर सकते हैं। जब आप ध्यान लगाते हैं तो आप के चेतन की परतें खुलती रहती हैं, आपकी आज्ञा चक्र डेवलप होती है, और आज्ञा चक्र को थर्ड आई भी बोलते हैं, शिव नेत्र बोलते हैं, यानी कि त्रिनेत्र बोलते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, और शरीर के जो 7 चक्र हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसमें एक है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई, जैसे भगवान शंकर जी का 3रा नेत्र है, वैसे ही जो मेडिटेशन करते हैं उनका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। और आज्ञा चक्र जिसका जागृत होगा वो भूत भविष्य और वर्तमान सब देख सकता है, और चेतन मन को वो जान सकता है। तो ऐसे लोग
अपने पूर्व जन्म के कर्मों और सभी चीज़ों को देख सकते हैं। ऐसा कभी कभी अनायास ही हो जाता है। और जब आपने सुना भी होगा कि किसी को अपने पूर्व जन्म के घर याद होते हैं, वो अचानक से वो अपने पुराने गांव में चला जाता है, अपने पूर्व जन्म के माता पिता को पहचान लेता है, वो अपना कमरा याद कर लेता है कि ये मेरा घर था, यहाँ हमारा सामान था, मैं यहाँ ऐसे करता था, गांव के सभी लोगों को पहचान लेता है। तो इसका क्या कनेक्शन है? तो वो चेतना ही है जो उसे सब कुछ याद दिला देती है। और आप इस घटना को कहते हैं कि ये दोबारा जन्म लिया है। तो दोबारा तो जन्म लिया ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसकी चेतना वापस आ गई है। और जिसकी चेतना वापस आ जाएगी उसको बोला जाएगा कि पुनर्जन्म लिया है। लेकिन पुनर्जन्म तो हर जीव ने लिया है। तो पुनर्जन्म का और चेतना का यही कनेक्शन है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।